वेलकम फ्रेंड्स टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओम्स लॉ ओम्स लॉ व्हाट इज ओम्स लॉ नाउ ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इन्होंने बताया है ओम्स लॉ स्टेट दैट द करेंट द करेंट

फिजिकल कंडीशन ऑफ कं फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर्स कंडक्टर सच एज टेम्परेचर सच एज टेम्परेचर कोमा मैकेनिकल स्ट्रेन etcetera are kept are kept constant constant. So, what Ohm's law states Ohm's law states that the, the current current means I cur current flowing through a conductor let it be a conductor conductor कंडक्टर जो इससे करेंट फ्लो होगा द करेंट आई फ्लोइंग थ्रू आर कंडक्टर इज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर कंडक्टर प्रोवाइडेड अक्रॉस द कंडक्टर प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर क्या क्या कॉन्स्टेंट होना चाहिए टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट और भी और भी कोई भी फिजिकल कंडीशन हो वो आपका क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए जैसे मैकेनिकल स्टेंट मैकेनिकल स्टेंट मतलब हो गया क्या आपका जो लेंथ चेंज नहीं हो लेंथ मतलब कि इसको ना ही आपको स्ट्रेच करना है ना ही कोई प्रेशर बनाना है उस टाइप का फिजिकल कंडीशन एक तरह से कॉन्स्टेंट होना चाहिए सो ओम्स स्लो स्टेट दैट द करेंट आई फ्लोइंग थ्रू आ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन कॉन्स्टेंट सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं आई इज डायरेक्टरी पोर्सनल टू भी और हम लोग इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं भी इक्वल टू आर आई इसको ये भी लिख सकते हैं भी इज डायरेक्टरी पोर्सनल टू आई और भी इक्वल टू आर आई यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग ने क्या किया आर को यूज किया तो आर क्या है एक प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोल सकते हैं और इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस तो ओम्स लोन ने क्या बताया कि जो कंडक्टर के अक्रॉस यदि वोल्टेज है मान लीजिए इसके अक्रॉस आपने कोई वोल्टेज अप्लाई किया है वी और इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है आई आई तो भी इक्वल टू आर आई आप लिख सकते हो मतलब कि वोल्टेज क्या होना होगा इसके अक्रॉस का वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट रेजिस्टेंस इनटू करंट और डायरेक्टरी पोर्सनल मतलब इसका मतलब ये भी है कि अगर इफ इफ योर करंट विल इंक्रीज देन योर वोल्टेज विल आल्सो इंक्रीज ओके अब देखिए जैसे हम लोग ने क्या बोला कि आई इज डायरेक्टरी प्रोपोर्शनल टू भी तो इसके लिए हम लोग क्या प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं ये हो गया आपका करंट और ये हो गया वोल्टेज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब ये क्या हो जाएगा इस टाइप से ग्राफ होगा मींस जैसे जैसे आपका भी इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है भी, भी बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ रहा है इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है और ये क्या होता है पासिंग थ्रू ऑरिजिन भी होता है ठीक है तो ओम स्लोन ने क्या बोला कि ओम स्लोन ने बोला है कि जो भी करंट पास होगा कंडक्टर uh, के थ्रू दैट विल बी डायरेक्टली पॉप्सनल टू योर वोल्टेज अक्रॉस दैट वन एंड अब उसको प्लॉट मैंने यहाँ पर किया है ये देखिए किसके बीच, बीच का है ये एक्सिस आई वर्सेस भी तो इस एक्सिस से हम लोग ये भी बता सकते हैं जो इसका स्लोप होगा स्लोप क्या होता है स्लोप मीन्स कितना जो लाइन है ये जो लाइन है आपका कितना इंक्लाइंड है विथ रेस्पेक्ट टू वाट दिस हॉरिजेंटल लाइन तो मान लीजिए इसका एंगल इससे मान लीजिए थीटा है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन थीटा टेन थीटा क्या होता है स्लोप स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई वाई क्या है यहाँ पर वाई एक्सिस आई और एक्स एक्सिस हो गया भी तो आई बाई वी तो और यहां से आई वाई भी पुट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा वन बाय आर सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट आर इज इक्वल टू वन बाय थीटा और इक्वल टू वन बाय स्लोप स्लोप किसका ये है ये याद रखिएगा ये करंट वर्सेस वोल्टेज का है ठीक है अगर मान लीजिए इफ देर इज अ ग्राफ लाइक दिस वन वी वर्सेस आई देन इन द रेस्टेंड द स्लोप स्लोप मीन्स दिस रेजिस्टेंस लाइन इज गिवेन लाइक दिस वन देन फ्रॉम हियर वी कैन राइट स्लोप स्लोप सेम थीटा इज किसके साथ होना चाहिए स्लोप स्लोप मीन्स एंगल किसके साथ ओरिजेंटल के साथ स्लोप इक्वल टू कितना हो जाएगा ये टेन थीटा और ये क्या होगा वाई वाई एक्स मीन्स वी वाई आई वी वाई आई क्या होता है इक्वेशन मान लीजिए इसको इक्वेशन दिस वन इज इक्वेशन वन देन वी कैन राइट वी वाई आई इक्वल टू आर आर क्या है रेजिस्टेंस ठीक है तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं ये स्लोप स्लोप यहाँ पर क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर अगर ज़्यादा स्लोप है इफ देयर इज मोर स्लोप मोर स्लोप मीन्स वाट इफ देयर इज टू ग्राफ ओके लाइक दिस वन एंड दिस वन एंड लेट द ग्राफ बी वी एंड आई तो इसमें स्लोप किसका ज़्यादा होगा स्लोपिंग एक ये है और एक ये है मान लीजिए ये थीटा टू है और ये थीटा वन है तो ऑब्वियसली ये जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा सो थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू इसलिए स्लोप वन इज ग्रेटर देन स्लोप टू ये वन ले लीजिए और ये टू सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट स्लोप जिसका एंगल ज़्यादा होगा वो स्लोप स्लोप ज़्यादा होगा ठीक है तो थीटा वन इज़ ग्रेटर सो स्लोप इज थीटा वन स्लोप वन इज ग्रेटर देन स्लोप वन सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं क्योंकि ये वी वर्सेस आई है तो आर वन इज ग्रेटर देन आर टू लिख सकते हैं सो so, ये कंडीशन हो गया अगर यदि इफ 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 द ग्राफ गिवन इज लाइक दिस वन मींस आई वर्सेस वी एंड देयर इज अ टू ग्राफ सेम ओके दिस इज लेट इट वी वन एंड दिस इज़ टू देन अगेन वी विल टेक अ एंगल लेट इट वी थीटा वन एंड दिस वन विल थीटा टू हियर थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू मीन्स इट मीन्स दैट स्लोप 1 is greater than slope 2. Slope 1 is greater than slope 2. Now i versus b slope means what? Here slope means what? I by v. I by v means 1 by r, 1 by r1 is greater than 1 by r2. So from here what we can write r 2 is greater than r1. So in this graph this this resistance will be more than that this one and this graph r1 will be more than r2 so this is simple basic basic concept regarding and thus what is the slope okay the uh, ohm's law have you you have uh, it is the explanation for the ohm's law okay now from ohm's law from ohm's law we have seen that v equal to r into i okay okay the material which follow this equation means B is directly proportional to I. That material is known as ohmic material. Ohmic. Or we can say ohmic characteristics uh, means that material will follow the Ohm's law and that material will be known as ohmic. Ohmic in nature. Okay. If that one is not following this graph, means B is not directly proportional to I, then that will be a non-ohmic curve. Okay. If B is

okay what is r R is the proportionality constant and it is also known as resistance resistance what is the unit of resistance resistance unit is ohm or it is what is this ohm o h m ohm symbol is this one ohm okay what is the uh, uh, what is the unit of resistance ohm okay if you have any doubt kindly comment in the comment section of this video okay now now this is voltage this is current and what is the resistance now resistance now we will see about the resistance resistance now what is resistance resistance is given as rho l by a this is the Means resistance. Your resistance will be proportional to your length. It is inversely proportional to the area, and, and, and so we can write R equal to rho L by A. Here, L is what? Wa, L is the length. L e n g t h. Length of, uh, length of material. Length of material, or we can write conductor. Conductor. Suppose. This is your conductor, okay. Current is passing through this one, I. Its length will be this much, that is L. And this area area is cross sectional area, it is a cross sectional area, not total area. It is cross sectional area of A. Here also, we can write A, okay. And A is the area, area means not area, it is cross sectional area. Not too confused with the area and total area and the cross-sectional area. Cross-sectional, cross-section area. A is the cross-section area? Length unit SI unit meter. Cross-sectional area meter square. And what is this row? rho is again proportionality constant. What is this again proportionality constant? And it is known as resistivity. Resistivity.

material and depends 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 on temperature and pressure Theke, what is resistivity resistivity means this proportional constant that is rho it is the property property of material means ye kya property ye kiska material ka means if there is a same material then then इट्स रेसिस्टिविटी विल बी सेम प्रोवाइडेड अदर्स फिजिकल फिजिकल पैरामीटर्स आर कॉन्स्टेंट इफ देर इज आर एनी वेरिएशन इन टेम्परेचर देन फॉर द सेम मटेरियल मान लीजिए एक कॉपर मेटेरियल है तो इसका क्या होगा रेसिस्टिविटी अलग हो सकता है इट्स रेसिस्टि डिफरेंट फॉर आ डिफरेंट टेम्परेचर इट टू डिफरेंट टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी विल बी टू डिफरेंट वन डिफरेंट वन ओके इफ Others parameters, if physical parameters are constant, then then for example copper and aluminium is there, then its resistivity will be rho one and rho two. It's different, but for the same material, it will be constant. Okay, so it is all about the resistivity. Okay, what will be the unit of resistivity from the above? And also one thing. Uh, that what what will be the resistivity unit? Rho will be equal to R into E by L. Its unit is meter square. Its unit is meter, and its unit is ohm. So it will be cancelled out. So it will be ohm meter. What is the unit for the resistivity? Ohm meter. Now one thing, one more thing about the resistivity is that we will see this equation in the

n means number of free electrons per unit value e square into tau this will be c this will be uh, this will be uh, this will be the equation equation this equation comes from the uh, drift of equation we will see later okay now here what is n n is the number of number of free electrons পাৰ ইউনি ভল্যুম ৱাট ইজ টাৱ ইজ দিলেচন টাইম ইন চেকেণ্ড ওকে এণ্ড ইজ দ ইলেকট্ৰছ ই ই ইকুৱেল টু ইলেকট্ৰান পইণ্ট ছিক্স ইণ্টু টেন ফাইভ মাইনছ নাইণ্টিন কুলম এম ইজ দ মাছ মাছ অফ ইলেকট্ৰে চ' Resisti resistivity depends on your n number of free electrons per unit volume and then it's also depend on your uh, temperature and pressure ok and it is property of the material it is all about the resistivity now from these r equal to from these now ok it is all about the resistivity and this resistivity is also known as this resistivity is also known as a specific a specific resistance a specific resistance is also known as resistivity okay now now we have seen r equal to rho l y a one equation and the second equation from the ohms law v equal to r into i or I equal to V Y R okay now from this equation we have seen the units of all the uh, uh, elements or parameters okay now now what is resistance it is what is this resistance now resistance okay it is of resistance E j resistance is obstruction obstruction posed by posed by conductor by conductor to the flow of current to the flow of current through so uh, what is the resistance resistance is the it will oppose the flow of current suppose this one is the conductor now ok then if there is a current is flowing i then this is the property of this material resistance is what resistance is a obstruction it is what what is this it is obstruction which will oppose this current ok this will oppose this current that is the resistance resist, it will what it will do the resistive work means resist to what to current. Okay, so uh, this is the physical meaning of the resistance. Okay, now what is uh, what will the dimension of the resistance dimension formula of resistance? Resistance, tell me. We will deduce here okay. Resistance, what will be the resistance formula? Okay, now as we know that the voltage V means voltage, voltage is the work done per unit charge, work done per unit charge. Okay, and we also know that work done that is equal to force into displacement, force into displacement, F into X, force into displacement. Okay, and Q is equal to current is equal to I means as uh, the Q means charge, charge will be equal to I means current into time. Okay, now these things we will put in that equation, above equation, these two we will put in here. So, it will be force into X, F into X by I into T. Okay, so from here we can write force equal to uh, voltage equal to force. What is the force? What is force? Force equal to mass, mass into acceleration, okay, force and x divided by i into time, okay. Now, again, again, now v equal to what we can write, v equal to r, v equal to r i, correct now, okay. So, from this resistance will be equal to mass. Into acceleration into x divided by i square into t. Okay, so its unit will be mass. Mass is there one only one m. So m means mass. Mass in kg. Okay, m and then length. Length means how many lengths are there? Number one. This x length means x for the x one will be there and a a means. सेकेंड स्क्वायर ए मीन्स व्हाट मीटर ए मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो वन एल इज हिट सो इट विल बी टोटल एल एल विल टू एल स्क्वायर ओके नोट टाइम हाउ मेनी टाइम एक्सेसन फॉर द एक्सेसन देर इज अ सेकेंड स्क्वायर इन डिनोमिनेटर एंड देर इज ए अदर टी इज देर सो टी क्यू मीन्स माइनस टी थ्री okay then how many currents are there minus 2 so minus 2 so it will be minus 2 current okay anything else no nothing so this is the dimension of your resistance so this is the dimension formula of the resistance okay any doubt if you have any doubt kindly comment in the comment section of this uh, videos okay now now we will see, now we will see how we have written R equal to rho L by A means how we have, how we, uh, how we got V R is directly proportional to L comma R is inversely proportional to one by area. Ok. Now this we will see, ok, how we have written this one. Okay. Now, suppose this is your conductor, okay, and there is a current passing through this one is I, and this the voltage across this one is applied is V, let it be okay. Then, what will be the resistance of this R equal to V by I from the Ohm's law, okay. Now, suppose we have now in this case, what we will do is we have increased the length of this conductor. what we have what we have assumed is that the length is increased increased and it is here length is l and the area is a okay. now here it is increased to two l let it be okay two l. So, length is increased to l means we have increased the length by assuming that area is same area is same okay and then voltage will be what means we have connected the two to this conductor two conductor from here l and here l so total will be 2l okay so the voltage will be because it is a series connection so voltage will be v v across this one v across this one so 2v will be this because it is a series connection, so current will be I. So from here, R is equal to R is equal to Vy. V is how much 2V. Voltage across these two conductor is 2V and the current I. So it will be 2 into R. R is from here. Okay, 2R. So R one R one or we can say R is direct proportional to length means length is twice means resistance will be your twice. So this is a case. Now we will see another case, that is when your conductor, when your conductor let it be a conductor. Okay. Okay, this conductor is cutted like this one. Okay, means area is divided. Means this will be area is divided. This will be A by two and this will be A by two for the same length. For the same length length is okay length is same okay but the area we have divided so in this case in this case uh, in this case your voltage will be how much voltage will be same voltage because it is will be like this one okay it will be like this one its area is able to its area is also able to length both have the length of l okay like this one, and these two will be connected like this one. Okay, now if this is the case, then the voltage across this will be how much V? Voltage will be V. What will be the current? Current, okay, because we have assumed that the, for the length L. V and this will be suppose I dash, I dash means current is flowing through this one. Now your resistance will be for this case R2 that is V voltage divided by rest current, current means I dash. So R2 will be equal to your R2 will be equal to V is the voltage, I dash will be how much? I dash will be your I means 2y, two 2y. I, two I. So V by I by 2 means it will be it will be how much tell me it will be current will be how much tell me so so the resistance will be how much V by I. That is R into two, because current is how much current is I dash means I by two. So it is two R means R is inversely proportional to A. Means when your area is halved, half A by two, then your uh, your uh, resistance is increased. Increased how much by two R okay understood now this is r2 r2 is what r2 is the resistance resistance across this one and this is i okay so so we we will write this one clearly okay like this one like this one two slab is there now hmm. a by two a by two now actually Total current is flowing. How much the I, I? Because th there are two two different different part of the same thing, so it will be current will be half I by two and I by two. So and the voltage will be what? Voltage is this one. Voltage because these two are connected in parallel, so the voltage is V. So for this one, the resistance will be. रेजिस्टेंस विल बी आर इक्वल टू वी वाई आई आई मीन्स करेंट हाउ मच आई वाइट टू सो इट विल टू आर मीन्स योर आर इज इनवर्सली पोर्सन टू एरिया बिकॉज एरिया इज हाफ सो हाफ मीन्स टू विल गो अपट विल टू आर टू इन टू आर सो ओके अंडरस्टूड ना इफ यू हैव एनी डाउट कैन डी कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक ओके okay this is about the your uh, this equation that is r equal to r equal to rho l by a how resistance is proportional to l and how r resistance is inversely proportional to your area okay now now we will go for the resistance in series now we will go for the resistance in series. Resistance in series. Okay. Resistance in series. What will be the what is the resistance in series means? And also, resistance for the resistance, we will show resistance. The symbol for the resistance is like this one. Okay, what is the unit for the resistance? Ohm. Okay, symbol is this one and resistance unit is ohm. Now, suppose series in resistance means series means the same current will flow. Series means what? Series means same current will flow. Same current will flow. Then we will understand, we will. Uh, Then, तब हम लोग को पता चलेगा क्या ये सीरीज का मतलब क्या हो गया जब हमारा सेम करंट जब फ्लो होगा सो so, अगर मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है तो ये क्या हो गया रेजिस्टेंस मीन्स मान लीजिए इसका आर वन है नाम और इसका आर टू देन सपोज द करेंट इज फ्लोइंग इन दिस आई देन बिकॉज दिस इज द सेम पाथ सो इन दिस विल बी ऑल्सो अ सेम करेंट सेम करेंट विल बी फ्लो ओके एनी डाउट No. So same current will be flow. Now suppose this current is flowing because we have connected a voltage source DC, DC voltage source. DC DC means only one only one direction. In AC, AC means alternating. Alternating means there will be some time positive, there will be some time negative, means alternate. It's magnitude alternate changes, changing with time. But for the DC magnitude is fixed magnitude is fixed like this one 5 ampere 5 volt means it is fixed so it is a dc and for ac this will be like this one means sometime positive sometime negative okay and also magnitude is changing now let the voltage be v for the series this one r equivalent r equivalent means total resistance will be what Total resistance will be voltage divided by current. From the Ohm's law, we know V by I is the total resistance. And this V, by I, v by I will be there. Okay. Hmm. What will be the voltage across this one? Let the voltage across this one. one is V1, and voltage across this one is V2. Then, from the above diagram, we can write V1 equal to B1 equal to R1 into I. Similarly, B2 we can write R2 into I. Okay. Hmm. Therefore, we can write B, B is the total voltage, that will be B1 plus B2. And that will be equal to R1 I plus R2 I. And that will be I is taken as common. So R1 plus R2. And so देयर फोर आर इक्वेलेंट क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से आर इक्वलेंट होगा वोल्टेज डिवाइड बाई करेंट मीन्स कितना टोटल वोल्टेज है कितना टोटल करेंट फ्लो हो रहा है देट इज द आर इक्वलेंट आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा वी वाई वी कितना हो गया हमारा वी हो हमारा ये वाला हो गया आई इंटू आर वन प्लस आर टू बाई आई कैंसल आउट सो इट विल भी आर वन प्लस आर टू सो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग क्या लिख सकते हैं जो सेम डायग्राम ऊपर में है उसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं मीन्स वोल्टेज सोर्स हो जाएगा भी और जो दो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग आर इक्विवेलेंट से लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट और जो करंट फ्लो हो रहा है वो तो पता ही है आई करंट फ्लो हो रहा है मीन्स ये डायग्राम और ये डायग्राम ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों सेम डायग्राम है इसमें डिफरेंस क्या है जो हमारा जो सीरीज में रेजिस्टेंस है दोनों आर वन आर टू उसको हम लोग आर इक्विवेलेंट से चेंज किए हैं और इस आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होता है आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा सीरीज में है क्योंकि ये ये दोनों आर वन आर टू सीरीज में इसलिए आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाता है आर वन प्लस आर टू ओके फॉर द सीरीज केस ये तो सिर्फ दो रेजिस्टेंस था अगर बहुत सारा रेजिस्टेंस होगा तो सिंपली क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस जितना भी रेजिस्टेंस हो सबको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा सीरीज रेजिस्टेंस मीन्स अगर सीरीज में अगर कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में कैसे पता चलेगा जब देखेंगे कि सेम करेंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या हो गया सीरीज में सेम करेंट फ्लो हो रहा है तो सीरीज में हो जाएगा और लेकिन वोल्टेज वोल्टेज अलग हो सकता है वोल्टेज क्या होगा अलग होगा ठीक है दोनों के अक्रॉस कितना कितना वोल्टेज है वो अलग होगा लेकिन सीरीज में क्या होना चाहिए करंट सेम फ्लो होना चाहिए नंबर वन और रेजिस्टेंस अगर टोटल निकालना है तो क्या होगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री लिख सकते हैं ठीक है ये हो गया सीरीज कनेक्शन नंबर बी में क्या है आपका पैरेलल कनेक्शन पैलर कनेक्शन रेजिस्टेंस पैलर कनेक्शन में हम लोग क्या देखते हैं इसमें क्या सेम होगा इसमें वोल्टेज अक्रॉस सेम होगा क्या होता है सेम वोल्टेज सेम वोल्टेज सेम जैसे ही होगा समझ आइएगा पैलर कनेक्शन है ओके okay. जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं जैसे ये देखिए यहाँ पर क्या है दो रेजिस्टेंस है ठीक है आर वन मान लीजिए ये आर टू यहाँ वोल्टेज है भी और इससे करंट फ्लो हो रहा है आई क्या हो रहा है करंट फ्लो आई तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है करंट इसमें आई है मान लीजिए इसमें क्या हो रहा है करंट डिवीजन हो रहा है यहाँ पर करंट क्या हो रहा है डिवीज़न हो रहा है ये आई इधर से आएगा तो इधर कितना जाएगा आई वन मान लीजिए आई वन क्या और इधर मान लीजिए आई टू मतलब क्या एक तरह से आप बोल सकते हैं जहाँ पर करंट डिवीजन हो रहा है मीन्स करंट जो है ना डिवाइड अगर हुआ तो वो क्या हो जाएगा पेलर कनेक्शन और या फिर वोल्टेज क्या होना चाहिए सेम वोल्टेज यहाँ सेम क्यों है क्योंकि अगर ये भी है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज भी क्या होगा सेम होगा और इसके बीच का वोल्टेज भी सेम होगा मीन्स दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना है भी हैं इसके अक्रॉस भी, भी इसको एक भी, भी आप सिंपल याद रखिएगा पेलर कनेक्शन में करंट डिवीज़न होता है ठीक है और इसका इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं हम लोग डायग्राम में इस टाइप से लिख सकते हैं ये हो गया आपको वोल्टेज और इसमें करंट हो गया और इसको आर इक्विवेलेंट से हम लोग लिख सकते हैं लेकिन क्योंकि ये दोनों आर वन एंड आर टू पैलर में है तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अभी हम लोग डिड्यूस करेंगे कैसे होता है ठीक है नाव पैलर कनेक्शन है तो पैलर कनेक्शन में हम लोग आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आई वन प्लस आई टू ठीक है ओके ओके एंड नाउ व्हाट विल बी द आई वन आई वन यहाँ के अक्रॉस वोल्टेज कितना है क्योंकि ये पेलर में है तो हमने क्या बोला था यहाँ का वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज सेम है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा सेम इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा आर टू के अक्रॉस ये भी सेम ये भी सेम हो जाएगा तो आई वन क्या होगा ओम स्लो से दैट इज़ वी वाई आर वी वाई वी तो भी ही है और आर कितना है आर वन हो गया ये आई वन हो गया आई टू क्या हो जाएगा सेम वी वाई आर टू हो गया तो आई इक्वल टू क्या हो गया आपको I इक्ल टू यहाँ से हो जाएगा I1 I1 आई वन प्लस आई टू आई टू मीन्स वी वाई आर टू सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू वी कॉमन हो गया वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू ठीक है और यहाँ से हम लोग i वाई भी लिख सकते हैं इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू अब देखिए ये जो डायग्राम बनाए हैं हम यहाँ पर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वी वाई वी वाई आई तो वन वाई आर इक्वलेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वन वाई आर इक्वलेंट विल बी रिवर्स ऑफ दिस वन दैट इज आई वाई वी ठीक है इसको अब हम लोग पुट करेंगे आई वाई वी में तो आई वाई वी क्या हो जाएगा ये वन वाई आर इक्वलेंट सो आर इक्विवेलेंट में क्या होता है वन बाय आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है ये सबका रेसिप्रोकल का ऐड होता है मींस अगर आपका पैरलर है पैलर कनेक्शन है यदि बहुत सारा रेजिस्टेंस है पैरलर कनेक्टेड तो आर इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं हम लोग वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री प्लस डॉट 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 समझे तो ये क्या हो गया पेलर कनेक्शन के लिए पेलर कनेक्शन में कैसे लिखते हैं हम लोग सबको इन्वर्स करके सबको ऐड करते हैं इन्वर्स एडिशन होता है सबका ठीक है और ये सीरीज में सिंपल एडिशन होता है ठीक है ओके एनी डाउट इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली कॉमेंट इन द कामेंट सेक्शन ओके ये आपका क्या हो गया पेलर और सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस एक नोट्स आपको इसमें जरूर याद रखना है वन पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस इफ देयर जस्ट पेलर कनेक्शन लाइक दिस वन ओके व्हिच वी हैव डोंट अर्यर ये भी हो गया ये आर वन ले लीजिए एंड दिस इज आर टू एंड इसके इससे करेंड फ्लोर आई वन द करेंट इज फ्लोइंग आई वन लेट इट बी एंड अक्रॉस दिस वन थ्रू दिस वन दैट इज आई वन एंड थ्रू दिस वन आई टू ये करेंट मान लिया हमने तो इसमें हम लोग इस इसमें हम लोग रेजिस्टेंस को पता है यदि ये पैरलर है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग आर इक्विवेलेंट वन R बाई आर इक्विलेंट इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू लिख सकते हैं ठीक है वो डिफरेंट केस इस चीज को इसमें हम लोग देखेंगे करंट डिवीजन फार्मूला क्या होता है क्या होता है करंट डिवीज़न फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये बहुत सारा कंपटीशन कम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है ओके करंट डिवीजन फॉर्मूला क्या है इसमें यदि आपको I2 का वैल्यू लिखना है I2 टू मीन्स ये करंट के बारे में तो I2 टू इक्वल टू हो जाएगा आपको I1 जो मेन करंट है सॉरी ये I1 नहीं है ये I है ये मेन करंट जो है I इन टू आई टू लिख रहे हैं तो जो इसके पैरलली जो कनेक्टेड रेजिस्टेंस उसको लिखेंगे पहले R1 और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस दोनों को जोड़ देंगे आर वन प्लस आर टू तो ये आपका पैरेलल कनेक्शन का आ, ये फार्मूला होता है ठीक है ये करेंट डिवीजन फार्मूला बोलते हैं इसको जो कि इंपॉर्टेंट है ओके okay. मींस अगर आई टू आपको लिखना है तो क्या लिखना है आई टू इक्वल टू टोटल करेंट का कितना परसेंटेज है टोटल करेंट इनटू ये पैरेलल में कितना है आर वन आर वन डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस अगर कर दिएगा तो वो आपको आई uh, I2 का वैल्यू हो जाएगा अब बताइए आप I1 का वैल्यू क्या होगा इस डायग्राम से I1 वन इक्वल टू क्या होगा टोटल करंट कितना है I इन इसके पैरलर में कौन सा रेजिस्टेंस है ये R2 तो R2 लिखना है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है R1 वन प्लस आर सीरीज करना है इसमें सीरीज मतलब जोड़ना है ओके okay, तो ये आपका I1 हो जाएगा डेरीवेशन इसका बहुत ईजी है आप सिंपली लिख सकते हो सिंपली मीन्स यहाँ से देख सकते हो आप जो यहाँ पर हम लोग ने बनाया है देख लीजिए यहाँ से देख लीजिए आप ओके कहाँ से ये ये आप ले ये ये इक्वेशन आप ले लीजिए ओके तो इस इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हैं बताइए आई बाई वी इक्वल टू आर वन आर टू सॉरी आर वन प्लस आर टू बाय आर वन इं आर टू ये हो गया ठीक है आई का आई इक्वल टू नाउ अब आई टू का वैल्यू कितना होता है आई टू इक्वल टू हो गया आपको वी वाई आर टू है ना नी वाई आर टू लिखिए वी वाई आर टू इक्वल टू आई टू इक्वल टू यहाँ से आप वी का वैल्यू लिखिए क्या होगा I into R1 into R2 divided by R1 plus R2. ठीक है सो so, I2 क्या हो गया भी बाई आर टू भी तो है ही आर टू यहाँ से डिवाइड कर देंगे क्या होगा R2 R2 कट जाएगा सो इट विल बी I इंटू आर वन बाई आर वन प्लस आर टू सो so, अगर I2 निकालना है तो जो इसके पैलर में जो रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करके निकालना है सिमिलरली फॉर uh, I1 निकाल सकते हैं सो इट इज़ वेरी इजी एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस फार्मूला करंट डिवीजन फार्मूला ओके वेरी इम्पोर्टेंट तो ये आपको समझ में आ गया कि सीरीज में क्या होता है जोड़ता है जुड़ता है और ये पैलर में क्या होता है दोनों का डिवीजन होता है ये भी समझ में आ गया ओके okay? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ओके अब नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें चलते हैं हम लोग कौन सा है अब कोई टॉपिक बचा है क्या इसमें अब एक बात और है क्या जैसे आपने आर इक्वल टू क्या लिखा है आर इक्वल टू रो एल बाई एल ठीक है अगर मान लीजिए वॉल्यूम आपका वॉल्यूम मान लीजिए वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही होगा मान लीजिए एक वायर है ठीक है एक वायर है इसको आप खींच दिए इसको क्या किया स्ट्रेच किया तो क्या हो जाएगा इसका लेंथ क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा लेकिन सेम टाइम में क्या हो जाएगा लेंथ क्या हो गई इसका मान लीजिए एल है एरिया ए है ठीक है इसको अगर खींच दिए स्ट्रेच स्ट्रेच के तो क्या होगा लेंथ विल इंक्रीज ऑब्वियसली सपोज लेंथ इज इंक्रीज टू टू एल ओके एंड एरिया क्योंकि ये स्ट्रेचिंग के हैं वॉल्यूम क्या होना चाहिए कांस्टेंट होता है एक ही वायर है तो वॉल्यूम क्या होगा कांस्टेंट और इसका एरिया क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा कितना एरिया रिड्यूस होगा ए बाई टू मीन्स वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है एरिया इन लेंथ इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए कॉन्स्टेंट होना चाहिए मीन्स ए वन एल वन इक्वल टू ए टू एल टू एल टू कितना हो गया टू एल हो गया ए टू निकालना है मान लीजिए ए वन ए एल इक्वल टू ए टू इंटू टू एल ठीक है तो देन एल एल विल बी कैंसल आउट सो ए टू विल बी ए बाई टू मीन्स एरिया विल बी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा ठीक है ओके सो so, जब आपका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई एल लिख सकते हैं सो फ्रॉम यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट आई टी जे ई सी बी एस ई सब में ये पूछा जाता है ये वाला फॉर्मूला ओके okay. मान लीजिए एक वायर है उसको उसका लेंथ जो है ना आपने डबल कर दिया बाय स्ट्रेचिंग बाय स्ट्रेचिंग तो उसका न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एल स्क्वायर है तो एल डबल के तो दो का स्क्वायर कितना होगा चार तो फोर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा मीन्स अभी जो न्यू आर हो जाएगा वो फोर आर हो जाएगा ठीक है अगर लेंथ क्या हो गया एल डेज इक्वल टू टू एल ठीक है ये समझ गए ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था इसलिए मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं ठीक है और इसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वीडियो के वीडियो के नीचे और ये अबाउट में होगा आप उसको क्लिक करके ज्वाइन करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है नाउ अब हम लोग चलेंगे लास्ट टॉपिक दैट इज लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ वॉट इज नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ ओम स्लो में हम लोग को क्या पता चला वी इक्वल टू आर आई मीन्स वी इज डायरेक्ट्री प्रोपोर्शनल टू आई ये एक ग्राफ है वोल्टेज और करंट का जो कि पास होता है ओरिजिन से ओरिजिन से पास होना है ठीक है लीनियर ग्राफ है ओके okay. ये हम उनको ओम स्लो पता था कि मीन्स वोल्टेज इज डायरेक्ट्री प्रोपोर्शनल प्रोवाइडेड अदर्स पैरामीटर्स कॉन्स्टेंट मीन्स टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट होना चाहिए और प्रेशर उेशसर है तो वो भी कॉन्स्टेंट होना चाहिए स्टैंड कॉन्स्टेंट होना चाहिए ठीक है ना लिमिटेशंस ऑफ ओम लो क्या होता है कि ओम्स लो सभी मटेरियल के लिए वैलिड नहीं होता है सभी इक्विपमेंट या फिर मटेरियल सब के लिए वैलिड नहीं होता है कुछ कुछ ऐसा मटेरियल है जो जिसका ग्राफ जो है वी आई वर्सेस वी या भी वर्सेस आई जो भी बोलो आप वो जो है ना इस टाइप से ओरिजिन से पास नहीं होता तो उस टाइम में हम लोग क्या बोलते हैं वो क्या को आ, पास नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा नॉन ओहिक या फिर नॉन ओहोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं फॉलो करता तो क्या क्या हो सकता है जो नॉन ओहिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है नॉन ओहोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकता है नंबर ए में है नंबर ए में क्या हो गया अगर मान लीजिए भी और आई जो है ये प्रोपोर्शनल नहीं है जिस केस में भी और आई नॉन प्रोपोर्शनल है नॉन प्रोपोर्शनल प्रो प्रोपोर्शनल, नॉन प्रोपोर्शनल है जैसे इस टाइप का ग्राफ देख लीजिए आप इस टाइप का ग्राफ हो देखिए यहाँ तक तो ठीक है ये इनक्रीज कर रहा था धीरे धीरे लेकिन यहाँ से क्या हो गया नॉन प्रोपोर्शनल हो गया मींस, नॉन प्रोपोर्शनल का मतलब कि जैसे जैसे करंट अगर करंट मींस अगर वोल्टेज अगर डबल हो रहा है तो करंट आपका डबल नहीं हो रहा है ये कुछ और ही हो रहा है मीन्स नॉन प्रोपोर्शनल है तो ये हो सकता है एक अगर मान लीजिए इसको यदि ऐसे से डॉट डॉट करके एक्सटेंड कर दे तो ये क्या हो गया लीनियर हो गया सीधा हो गया मीन्स अगर वोल्टेज जिस मात्रा में बढ़ रहा है करंट भी उसी मात्रा में हमेशा के लिए वही बढ़ रहा है यहाँ पर भी सेम रेशियो यहाँ भी सेम रेशियो यहाँ भी सेम रेशियो मीन्स एक तरह से आर आपका क्या हो गया कॉन्सटेंट होना चाहिए आर क्या होना चाहिए कॉन्सटेंट तो ओम स्लो होगा अगर ये कॉन्सटेंट नहीं है तो वो ओम स्लो नहीं होगा नो सेटिस्फाई करेगा नॉन ओमिक होगा जैसे यहाँ पर मान लीजिए आर तो होगा लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा कुछ और ही होगा आर नहीं होगा सो so, यहाँ पर मान लीजिए आर है आर वन है यहाँ पर मान लीजिए आर टू होगा क्योंकि आर वन एंड नॉट इक्वल टू तो आर टू सो इट इज़ अ नॉन ओमिक सिंपल है या फिर आप बोल सकते स्लोप भी कॉन्स्टेंट होना चाहिए प्रोवाइडेड पासिंग थ्रू ऑरिजिन होना चाहिए मस्ट है ठीक है नंबर ए क्या हो गया नॉन प्रोपोर्शनल होना चाहिए नंबर नॉन ऑमिक कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकता है क्या क्या हो सकता है नॉन प्रोपोर्शनल हो सकता है नंबर बी नंबर बी है कि भी एंड आई आई का जो करेक्टरिस्टिक्स है कह रहा डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ साइन ऑफ वोल्टेज फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए ये ग्राफ हम बताते हैं एक करेक्टरिस्टिक्स है ये देखिए यहाँ पर देखिए क्या वोल्टेज के साइन पे भी डिपेंड करता है जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल है ये डायोड डायोड का जैसे रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी क्या है अगर कोई रेजिस्टेंस है मान लीजिए कंडक्टर का रेजिस्टेंस है आई वर्सेस भी है तो वो क्या होगा ओरिजिन से सीधा पास करता है ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका रेजिस्टेंस का करेक्टरिस्टिक रेस्टेंस उसी तरह डायोड का करेक्टरिस्टिक क्या है ये होता है डायोड का करेक्टरिस्टिक्स डायोड का सिंबल इस टाइप से होता है जो कि पढ़ेंगे बाद में जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है ये होता है डायोड का सिंबल कि किस तरह से होता है ये होता है मीन्स अगर इसके अक्रॉस इससे यदि करंट पास होगा ठीक है मीन्स इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज अप्लाई किए और यहाँ पर यदि करंट है तो भी आई करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या होगा वो इस टाइप से फॉलो करेगा मतलब क्या होगा क्या शुरू में क्या होगा कुछ वोल्टेज के लिए आपका बंद होगा जब कुछ वोल्टेज दीजिएगा ज़्यादा वोल्टेज दीजिएगा तब थोड़ा सा करंट फ्लो होना शुरू होगा और ये करंट फ्लो होते बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा तो ये हो गया जो डिपेंड करता है साइन ऑफ वोल्टेज तो उसमें भी ओम स्लो वैलिड नहीं होगा ये क्या है करेक्टरिस्टिक्स ओम स्लो फॉलो करता है नो no. ठीक है तो ये क्या हो गया नॉन ओमिक नंबर सी में क्या है जहाँ पर नॉन ओमिक करेक्टरिस्टिक्स हो सकता है अगर रिलेशन बिटवीन If there is a relation between V and I, इज is, is not unique, not unique, not unique. तो so, इसमें क्या होता है क्या आपका वोल्टेज और करंट का रिलेशन जो है ना यूनिक नहीं है यूनिक नहीं है मतलब क्या सेम वोल्टेज के लिए दो टाइप का दो या उससे ज़्यादा टाइप का करंट फ्लो हो सकता है जैसे एग्जांपल के लिए देखिए मैं बनाता हूँ एक ग्राफ करंट है और ये वोल्टेज है ठीक है ये हो गया तो ये करेंट और वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक है आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है ये इट इज मटेरियल जिसका नाम है गैलियम आर्सेनिक जी ए एस गैलियम आर्सेनिक का है ठीक है तो इसमें देखिए एक पॉइंट एक पॉइंट और ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ओके okay? ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है गैलियम आर्सेनिक का जो कि बहुत सारा कम्पटिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो अब देखिए ये वाला ग्राफ बहुत है देखते रहिए आप ये देखिए आपको आप, आप देखिए ये भी नॉन ओहमिक है नॉन ओहमिक है क्यों है नॉन ओमिक पहला बात तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है पासिंग थ्रू स्ट्रेट कर है थोड़ा सा ऊपर गया फिर ऊपर नीचे नीचे ऊपर हो रहा है ये मीन्स अगर आप देखिएगा देखिए क्या है क्या, क्या? अगर मान लीजिए दो वोल्टेज के लिए सेम करंट करेंट हो रहा है ये आप नोटिस कर रहे हैं देख रहे हैं दो वोल्टेज के लिए एक एक वोल्टेज यहाँ होगा एक वोल्टेज यहाँ होगा एक वोल्टेज यहाँ लेकिन सेम करंट फ्लो फ्लोर है तो ये क्या हो गया नॉट यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है आई का करेक्टरिस्टिक क्या है सेम नहीं है करेक्टरिस्टिक अब देखिए ये वाला जो रीजन है मान लीजिए ये वाला जो रीजन है इसमें क्या हो रहा है ये मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है तो इसमें आर क्या हो गया आर मान लीजिए रेजिस्टेंस है मान लीजिए इसके लिए निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस तो ये क्या होगा आर इक्वल टू आई आर इक्वल टू वी वाई आई होता है ठीक है तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव स्लोप है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो? इसका मतलब क्या हो गया क्या अगर आपका वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है तो करंट भी इंक्रीज करेगा ठीक है वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा है तो करंट भी इंक्रीज कर रहा है सो इट इज़ अ पॉजिटिव पॉजिटिव है मतलब क्या रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ कर रहा है पॉजिटिव हो रेजिस्टेंस वोल्टेज भी इंक्रीज कर रहा है करंट भी इंक्रीज कर रहा लेकिन इस रीजन में आप देखिएगा ये वाला जो रीजन है इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपका वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है तो करंट क्या हो रहा है घट रहा है तो इसको बोलते हैं निगेटिव निगेटिव रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रीजन निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन क्या हो गया ऐसा रीजन जहां पर आपको वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता नहीं बल्कि घटता है तो उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे निगेटिव रेजिस्टेंस रीजियन ठीक है और ये देखिए ये वाला रीजन क्या हो गया ये पूरा नॉन लीनियर रीजन है नॉन लीनियर लीजिय रीजियन सो आई वी क्रेक्टस्टिक ऑफ गेलियम आर्सनिक का बोला बोला जाएगा तो आपको जरूर प्लॉट करना है ये जो गेलियम आर्सनिक है मटेरियल है ये एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है क्या है सेमी कंडक्टर मेटेरियल है सेमी कंडक्टर मटेरियल है पढ़ेंगे हम लोग बाद में सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे लेकिन ये इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है।, है तो इसमें रिलेशन ऑफ भी आई नॉट यूनिक किस में है ये गेलियम और सनिक है जिसका आई भी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है नॉन यूनिक होता है आई भी कैरेक्टरिस्टिक और ये कौन सा है ये नॉन ओहमिक है कौन सा ये नॉन ओहमिक नॉन ओहमिक और बोल सकते हैं क्या ये ओम्सलो फॉलो नहीं करता है ठीक है कोई डाउट है मतलब क्या ये ओम स्लो नॉन ओमिक या फिर ओम स्लो जिसमें फॉलो नहीं करता है आपका नॉन प्रोपोर्शनल हो जैसे ये तो प्रोपोर्शनल हो गया सीधा लेकिन ये अगर ऊपर के चला गया तो ये क्या हो गया नॉन प्रोपोर्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया नंबर वन क्या हो गया तो नॉन प्रोपोर्शनल हो गया नॉन प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट होगा तो वो नॉन ओमिक होगा या ओम स्लो फॉलो नहीं होगा नंबर टू जिसका साइन पे वोल्टेज साइन ऑफ वोल्टेज वोल्टेज का साइन पे डिपेंड करता हो वी आई करेक्टिक्स तो वो भी क्या होगा नॉन ओमिक में आएगा जैसे एग्जाम्पल है डायोड डायोड एक सेमी डिवाइस है ठीक है डायोड ये क्या हो गया ये आपको क्या है नॉन ओहमिक है क्या है ये नॉन ओहोमिक भी है और नॉन लीनियर डिवाइस भी है नॉन लीनियर डिवाइस भी है ठीक है नॉन ओहमिक ओहमिक मतलब क्या हो गया लीनियर डिवाइस ये क्या हो गया नॉन लीनियर एंड नॉन ओमिक कैरेक्टरिस्टिक भी देख सकते हैं आप नॉन लीनियर का है अब ये और थर्ड केस क्या हो सकता है कि वी आई का वी आई का रिलेशन क्या हो सकता है यूनिक नहीं हो नॉट यूनिक हो जैसे इसमें देखिए यहाँ बढ़ रहा है यहाँ घट रहा है मतलब कि सेम करंट के लिए देखिए तो सेम करंट आता है आपको दो तीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज के अबाउट में आ जाता है तो ये ऑब्वियसली है कि ये आपका नॉन ओहमिक करेक्टरिस्टिक्स है तो ये आपका ये किसके बारे में हो गया आपको आ, ये हो गया आपको ओम स्लो का लिमिटेशन के बारे में हो गया ये क्या हो गया ओम्स स्लो के लिमिटेशन के बारे में हो गया ठीक है अब हम लोग एक और एक और देखेंगे एक और टॉपिक बोला जाए या सब टॉपिक देखा जाए जैसे हम लोग का ओम स्लो क्या है भी इक्वल टू आर आई ठीक है ये हमारा क्या है ओम्स स्लो ठीक है ओम्स लो इसका हम लोग अदर फॉर्म में देखेंगे अदर फॉर्म्स क्या हो सकता है ओम स्लो का अदर फॉर्म्स क्या हो सकता है ये तो वोल्टेज है ये करंट है और ये आर है ठीक है अब देखिए अब हमको ये हम लोग ये जानते हैं क्या भी इक्वल टू तो, वोल्टेज इक्वल टू तो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस या लेंथ बोल सकते हैं वोल्टेज क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ होता है ये आप सबको पता ही होगा क्योंकि ये पहले इलेक्ट्रोस्टेटिक चैप्टर में हम लोग फिर से पढ़ेंगे ठीक है क्या होता है वोल्टेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ इसका सिंपल सा अगर डेरीवेशन पूछ रहे हैं तो हम ये बता सकते हैं जैसे फोर्स इक्वल टू क्या होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपका फोर्स बाय चार्ज कोई डाउट ठीक है और वर्क डन क्या होता है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एक्स ओके सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स फोर्स कितना है एफ़ एफ बाई क्यू एफ़ कितना हो जाएगा फोर्स इक्वल टू एफ बाई क्यू ठीक है फोर्स वाला वर्क क्या हो गया एफ़ बाई क्यू और डब्लू डब्लू मीन्स वर्क डन होता है एक वोल्टेज इक्वल टू क्या तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी होता है तो डब्लू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वी इंटू क्यू भी लिख सकते हैं ठीक है वी इंटू क्यू भी लिख सकते हैं सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया फोर्स अपॉन क्यू तो फोर्स अपॉन क्यू अगर करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं सिंपली वी बाई एक्स सो यहाँ से लिख सकते हैं वोल्टेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एक्स मीन्स लेंथ लेंथ लिख सकते हैं सो so, इसलिए हम लोग यहाँ से ये भी लिख सकते हैं क्या वोल्टेज इक्वल टू ई बाई ई इंटू एल मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ भी लिख सकते हैं ठीक है इंस्टेंटेनियस के लिख सकते हैं ई इक्वल टू डी वी डी एक्स भी लिख सकते हैं ठीक है ये सब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन आने दीजिए आप भी इक्वल टू फॉर दिस मोमेंट वी विल राइट भी इक्वल टू ई इं एल ई इं एल सो सो वाट वी कैन राइट हियर इज दैट भी इक्वल टू ई इंटू एल एंड भी इक्वल टू आर

V upon so from this what we can write from this E L and this one L L will cancel out okay so electric field will be equal to rho into J or this can be also written as J equal to 1 upon rho into E and j equal to what we can write sigma into e where sigma is known as conductivity conductivity and it is inversely proportional to rho what is rho rho is a resistivity vt inverse of the resistivity is known as conductivity and बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज वैक्टर जे इज़ अल्सो वैक्टर इन सिग्मा सिग्मा इज द कंडक्टिविटी इज आय कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट वैल्यू जोन ली एस केलर ओके सो दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन दैट इज जे इक्वल टू सिमा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा इ वी विल सी दिस कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी टॉपिक इन योर ड्रीप्ट ड्रीप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन चैप्टर ड्रीप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन Uh, topic uh, that will be in the that we will discuss in the next coming videos, okay. Deep in this conductivity in detail analysis, we will do in deep chapter, okay. Now, J equal to sigma, this is Ohm's law. Ohm's law we can write in vector form, in vector forms, in vector forms, okay. Because here J is vector, E is vector, so we can say that it is a vector form, or we can write it as the microscopic microscopic form of Ohm's law. Why it is microscopic? Because there is a sigma, sigma and it is a proportional to n. N means what is this n? N is number of Number of free electron per unit volume per unit volume. This formula we will discuss in the coming topic that is in depth of electrons. So it is very important. Okay, J equal to sigma E. J is the current density, E is the electric field, and sigma is the conductivity. Okay. If you have any doubt, kindly comment in the comment section of this uh, this video. Okay.